बात समझ जाइए कि महिलाएं परेशान हैं और महिलाएं घर पे रहती हैं ज़्यादातर, लेकिन जब तक वो दुखी नहीं होती, उनका उत्पीड़न नहीं होता, तब तक वो सड़क पे नहीं उतरती है। और आज मैं बहुत बेहद खुश हूँ कि महिलाओं ने इस चीज़ को समझा है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही उनके लिए, सुरक्षा भी नहीं है, और जिस तरीके की परेशानियाँ गाँव में है। मैंने एक सीधी सी बात की कि हम महिलाएँ इस देश में 50% हैं और महिला एक ऐसी जात है जिसको अगर आप खुश कर दोगे तो पूरा समाज खुश रहेगा। अगर आपकी माँ खुश है तो इसका मतलब आपका परिवार खुश है। अगर आपकी माँ खुश है, उसके पास खाने को है तो वो खुश है, क्योंकि वो बच्चों को खिला सकती है। उसका कमाने वाला अगर कमा रहा है और माँ खुश है तो इसका मतलब परिवार खुश है। अगर आपके सर पे छत है, माँ खुश है, तो इसका मतलब आप खुश हैं। तो यानी एक साधारण सी चीज़ समझने की आवश्यकता है कि माताओं बहनों को सुरक्षित रखना, खुश रखना, उनको हर तरीके की मदद करना, ये सरकार का दायित्व बनता है। और इस दायित्व को सरकार भूल चुकी है, ये सरकार ने तो कभी सोचा भी नहीं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की सरकार लोग याद कर रहे हैं। 1090 चलाया गया था, कहाँ गया, बंद हो गया। 108 का नाम बदल के अलग तरीके से दे रहे हैं। प्रसव के लिए महिलाएं तैयार हैं, जाना चाहती हैं, लेकिन उनका कोई मदद नहीं है। एक है परेशानियों की तो कोई इंतहा नहीं है, चाहे वो बेरोजगार उनका बेटा हो या किसान हो, जो भी जना हो, जो शहर की नौकरी करने वाला है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और जो खेती करना चाह रहा है उसका भी हक छीने ले रहे हो। तो माँ कहाँ से खुश होगी, औरतें कहाँ से खुश होंगी, ये बात समझने की। सरकार पूरी तरह से महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में ध्वस्त हो चुकी है, ये सरकार फेल हो चुकी है। और आज ये महिला शक्ति बता देगी कि हम लोग इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, और ये सरकार हम महिलाओं को हल्का ना समझे, हम लोग अगर अपने पर आ गए तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे।